आप जैसा फौजी हो बलिय खतीब मुजाहिदे सब نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذي وقار معزز مشايخ الكرام محترم عزت مآب उलमाए मिल्लत इस्लामिया मेरे बुजुर्गों बरादरान मिल्लत इस्लामिया अजीज बच्चों आइए सबसे पहले हुजूर कल्ब के साथ अपने कल्ब को इश्को मोहब्बत से शरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबदे खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदारे मदीना राहते कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ रहे हैं كما تحب وتحب بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم सलातुन व सलामन अलैक या रसूलुल्लाह सलातुन व सलामन अलैक या हबीबुल्लाह सलातुन व सलामन अलैक या नबी अल्लाह खुदाए बरदर व बाला हमें पता क्या है खुदाए बरदर व बाला हमें पता क्या है तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है करम करम के करीमी ही शान है तेरी करम करम के करीमी ही शान है तेरी तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है कोई बिलाल से पूछे कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है और गमे फिराके नबी में गमे फिराके नबी में जो आंख से टपके गमे फिराके नबी में जो आंख से टपके खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है वो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे वो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे मैं ढूंढता हूं उन्हें ये मुझे हुआ क्या है मैं ढूंढता हूं उन्हें ये मुझे हुआ क्या है खुदाए बरतर वाला
हमें पता क्या है तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। हजरत एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله। आज का ये प्रोग्राम जो मुनक्किद किया गया, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एक मजमूआ है। आज ही के दिन उस्मान उमर टेक्नोलॉजी कॉलेज का इफ्तिताह भी है और राबिया हाई सेकेंडरी स्कूल का भी इफ्तिताह है, गर्ल्स हॉस्टल का भी इफ्तिताह होना है और उसके साथ साथ दारुल उलूम फैज़ुर रहमान में पढ़ने वाले बच्चों की फरागत भी है। उसमें 13 उलमा की फरागत होनी है, 6 हुफ्फाज की फरागत होनी है, 14 तारीख की फरागत होनी है और इसके साथ साथ मस्जिद इमाम हुसैन की संग बुनियाद भी रखी जानी है। इन सारे प्रोग्रामों का एक मजमूआ है आज का ये प्रोग्राम जहां हम सब बैठे हैं। बड़ी खुशी होती है देखकर कि माशाल्लाह ये शानदार इमारत हमारे सामने है, बच्चियों के पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए इदारे कायम कर दिए गए। अब मौला करीम से दुआ करता हूं कि इमारतें तो बन गई, अब मौला करीम अपने हबीब पाक के सरसे में हमारी कौम के हर फर्द में, हर बच्चों में इल्म का भी शौक अदा करे ताकि इन इमारतों का सही मकसद खुला हो जाए। कोई तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं, आप लोगों को बड़ा इंतजार करना पड़ा और बड़ी देर से इस धूप की शिद्दत में आप बैठे हुए हैं। हमारी जमात के अकाबिर उलमा की खिताबत आपने समाअत फरमा ली। मैं तो सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं, वो ये कि आज दुनिया के स्टेज पर ये बात कही जा रही है और खास तौर पर हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कमेटियों के जरिए ये बात लाई जा रही है कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा कम इल्मी शौक है। इल्म के मैदान में सबसे पिछड़ी भी कौम जो है वो मुसलमान है। अब ये बात कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये एक अलग मौजू है, लेकिन बहरहाल कुछ तो सच्चाई है। हैरत होती है ये बात सुनकर कि उस कौम के ताल्लुक से दुनिया कह रही है जिस कौम के लिए रब ने जब अपना फरमान नाजिल फरमाया कुरान की शक्ल में, उस कुरान का पहला लफ्ज जो दुनिया में आया वो इकरा है, जिसकी शुरुआत ही इकरा से हुई हो उस कुरान की मानने वाली कौम तालीमी मैदान में पीछे हो तो हैरत की बात है। जिसका नबी अपनी कौम को यह कहे कि इल्म का हासिल करना हर बच्चे और बच्चों के लिए जरूरी है, इल्म इतना जरूरी है तुम्हारे लिए, अगर इस इल्म को हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो तुम चीन भी जाओ। बड़ी खूबसूरत बात है यह
जिस जमाने में पैगंबर ने ये बात कही थी मदीने में, उस जमाने में चीन में इस्लाम नहीं था, वहां इस्लाम नहीं पहुंचा था, लेकिन पैगंबर ने चीन की मिसाल दी, चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। जाहिर है कि पैगंबर किस कौल ने इशारा दे दिया कि दीन का इल्म तो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन दूसरे उलूम को भी हासिल करना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए कि दीन का इल्म चीन में तो था नहीं जिसके लिए पैगंबर इशारा फरमा रहे थे। उस जमाने में चीन सनत और हिरफत के मैदान में बहुत आगे था, दुनिया उसकी मिसालें देती थी। तो नबी ने साफ लफ्जों में यह इशारा दे दिया कि अपने अकीदे की सलाह के लिए, अपने अमल की सलाह के लिए, मंजिल का पता जानने के लिए, मंजिल मकसूद तक रसाई के लिए तुम दीन का इल्म हासिल करो। और दुनिया में इस्लाम के ज़ाहरी शान और शौकत को बुलंद करने के लिए तुम दुनिया की तालीम हासिल करो, ताकि हर मैदान में परचम इस्लाम को ये कौम मुस्लिम बुलंद कर सके। लेकिन अफसोस कि आज वो कौम जिस इस्लाम ने सबसे ज्यादा इल्म की अहमियत पर जोर दिया, आज वो कौम ही इसकी अहमियत से दूर हो चुकी है। प्यारे वक्त आ चुका है, सिर्फ नारों के लगाने से कुछ नहीं होता है, जज्बाती बात करने से कुछ नहीं होता है। अक्सर जोश और जज्बात में स्टेज से यह कह दिया जाता है, अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इजादात की दुनिया में उसने ऊंची मंजिल हासिल कर ली, लेकिन बड़ी आसानी से हमारे स्टेजों से यह बात कह दी जाती है कि अमेरिका हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे हुजूर वाला, ईंट से ईंट क्या बजाएंगे? अमेरिका तरक्की के मैदान में उस मंजिल मकाम पर पहुंच चुका है जहां आज आपका तसव्वुर भी नहीं पहुंच सकता। आज आप तसव्वुर करो, ये इल्म की बरकरार ही है। दुनिया में एक कौम है जिसका नाम यहूदी है, जिसकी आबादी सिर्फ 14 मिलियन है, 14 मिलियन, और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी 1.6 बिलियन है। 1.6 बिलियन मुसलमान बसता है दुनिया में, 14 मिलियन जूस बसता है दुनिया में। अगर तकसीम कर दिया जाए तो 300 मुसलमानों पर एक जूस की आबादी आती है, एक पर की आती है। लेकिन तसव्वुर करो प्यारे, यही इजराइल है, फिलिस्तीन में घुस जाता है। दुनिया ने पूछा कि तुम क्यों ही फिलिस्तीन में जा रहे हो, तो उसने यही कहा था कि हम दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन प्यारे ये भी एक हकीकत है, जब ये इजराइल फिलिस्तीन में घुसा, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने जब इमेजेस शाये की, टीवी पे जो तस्वीरें आई, कहा था कि दहशत गर्दों को मारने जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब अखबारों में तस्वीरें शाये हुई, जो 3 महीने की बच्ची की एक तस्वीर शाये हुई, 2 महीने के दूध पी के बच्चे की तस्वीरें शाये हुई, ये सफाकाना और जालिमाना अमल फिलिस्तीन में घुसकर ये 14 मिलियन आबादी रखने वाली ज्यूस कौम करती रही। लेकिन प्यारे जरा गौर करो, सारी दुनिया इसके इस सफाकाना अमल को खामोश होकर देखती रही। ये अमेरिका जो इंसानियत की ठेकेदारी का दावा करता है, सारी दुनिया को इंसाफ दिलाने की बात करता है, दुनिया से जुल्म को मिटाने की बात करता है, ये अमेरिका भी इसराइलियों की इस सफाकाना बर्बरियत भरे अमल को देखता रहा, कुछ ना बोल सका। आखिर वजह क्या है?
क्या इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है? क्या उसके पास आर्म्स एमुनेशन बहुत ताकतवर है? क्या उसके पास डिफेंस की बहुत ज्यादा कुवतें हैं? क्या उसके मुकाबले में कोई दुनिया का मुल्क खड़ा होने की ताकत नहीं रखता? प्यारे, हकीकत ये नहीं है। फिर क्या वजह है कि सारी दुनिया, कोई भी दुनिया का फर्द उठकर इन इजराइलियों की गिरेबान को पकड़ने की जुर्रत ना कर सका कि तुमने तो कहा था कि हम दहशतगर्दों को खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन ये आखिर 3 महीने की ये बच्ची दूध पीती बच्ची कब से दहशतगर्द हो गई? ये औरतें कब से दहशतगर्द हो गई? तुमने तो कत्ल बच्चियों का कर दिया, मासूम बच्चियों का कर दिया। सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी देखती रही और ये कौम जुल्म और सितम करती रही। यारे, क्या वजह है कि किसी में ये हिम्मत ना हुई कि कोई इजराइल का गिरेबान बन सके? आप समझते हो उसकी ताकत से सब खौफ ज़दा है? गलत है, ये उसकी ताकत से नहीं। यही मैं हकीकत आपको समझाना चाहता हूं प्यारे। ये जज्बात के की वादियों से निकलो बाहर, हकायक को देखना चाह समझो, हकायक को समझो और उस पर अमल करो। प्यारे, हकीकत ये है कि इजराइल के सामने सारी दुनिया कल भी खामोश खड़ी थी और आज भी खामोशी किस लिए खड़ी है कि ये वो कौम है कि जिसने दुनिया को इतना कुछ दे दिया है, जिसके सामने दुनिया सर झुकाए हुए है। क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि जब कोई किसी को कुछ दे देता है तो उस मोहसिन के सामने किसी की निगाह नहीं उठती है। आप तसव्वुर करो, आज ये हेपेटाइटिस बी, ये एड्स का मर्ज दुनिया के लिए खौफनाक मर्ज बन चुका है। अगर इस दुनिया के इस खतरनाक मर्ज से शिफा देने के लिए दुनिया की किसी कौम ने कोई इंजेक्शन तैयार किया है तो वो कोई और कौम नहीं है, वो यहूदी कौम है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिससे सारे मुआसलाती निजाम मुनहसिर है, जिस पर जिसने एक मुल्क को दुनिया से दूसरे मुल्कों से इस कदर जोड़ दिया कि आप घर बैठे सारे दुनिया के मुल्क की खबरें हासिल कर रहे हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल की इजाद करने वाली कौम कोई और कौम नहीं है, ये भी एक ज्यूज ही है। ये कैप्चर्ड कैमरे जिसके जरिए आप अपने बेडरूम में बैठकर दुनिया को देख रहे हैं, ये कैप्चर कैमरे भी दुनिया को देने वाली कोई दूसरी कौम नहीं है, यहूदी है। आप तसव्वुर करें, दुनिया को इस कौम ने इतना कुछ दे दिया है, इस देने की बुनियाद पर दुनिया इसके सामने सर झुकाए खड़ी है। प्यारे, तुम्हें भी दावत और फिक्र देता हूं मैं, ये दुनिया का मिजाज है कि जब दुनिया को कोई देने की सलाहियत पैदा कर लेता है, दुनिया को कुछ देता है तो दुनिया उसके सामने सर झुका देती है। तुम भी अपने असलाफ की तारीख को जरा गौर से देखो। खाजे खाजगा खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी जब इस भारत की सरजमीन पर आए, कोई फौज लेकर नहीं आए, कोई तोप तलवार लेकर नहीं आए। वो और लोग होंगे जो तोप तलवार लेकर आए थे, वो आए थे जमीन के लिए आए थे, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन जमीन के लिए नहीं, दीन के लिए आए थे। और दीन के लिए आए थे तो तोप तलवार लेकर नहीं बल्कि मुस्तफा का किरदार लेकर आए थे, मुस्तफा का किरदार लेकर आए थे। यही वजह है प्यारे, आए अकेले आए, बोरियाए रुश्द हिदायत अजमेर की धरती पर बिछा दिया, अपने मामूलात में मुनहमिक हो गए। लोगों ने देखा कि ये तो इंसान हमारे समाज का नहीं है, इसका तो उठना अलग है, इसका तो बैठना अलग है, इसका तो कलाम करना अलग है, इसके तो सोने का अंदाज अलग है। इस अंदाज को देखकर दूसरे लोग पहुंचे, करीब बैठे, कुछ बातें सुनी, कुछ घंटे गुजारे, उठ कर गए। वो 10 आए थे, 20 को खबर दी, दूसरे दिन 20 आए, वो भी बैठे, फिर 20 गए, 40 को लेकर आए, मजमा बढ़ता चला गया। फिर उन आने वालों ने कहा, महाराज आपके चरणों में बैठने से बड़ी शांति मिलती है, मन पवित्र हो जाता है, आत्मा को शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। महाराज अब आप नीचे नहीं, आपके लिए हम आसन बनाते हैं, आप ऊपर बैठिए। यारे, यही हकीकत है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस मुल्क के लोगों को दिया शांति, दी
आत्मा की पवित्रता दी, मन को शांति दी, जिंदगी की बहारें दी, चेहरों पर खुशियां अदा की, तो इसी कौम ने आसन पर ऊंचे मकाम पर बिठाया। और प्यारे, यही हकीकत है कि जब तक हम अपने अंदर देने की सलाहियत रखते थे, इस कौम ने हमें ऊंचाई पर बिठाया। और जब हमने देने की सलाहियतें खो दी, सिर्फ नारों में अपने आप को खो दिया, तो आज इसी कौम ने हमें ठोकरों पर रख लिया। इसलिए प्यारे, अगर अजमत अहदे रफ्ता चाहते हो, अगर अपनी पुरानी अजमतों को फिर हासिल करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि दुनिया फिर तुम्हारे कदमों में सर झुकाए, तुम्हें बुलंद मकाम पर बैठाए, तो उसका कोई वे नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करके अपने को इतना बाकमाल बना लो कि तुम भी दुनिया को देने की सलाहियत पैदा कर लो। जिस दिन तुम दुनिया को देने वाले बन जाओगे, दुनिया फिर तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हें झुककर सलाम करेगी, अजमतें तुम्हारे कदमों को बोसा देंगी, तरक्कियां तुम्हारी दहलीज की बांधी बनी खड़ी नजर आएंगी। प्यारे, सिर्फ नारों से और जज्बाती बातों से कुछ नहीं होता है, अगर तुम्हें भी आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर दुनिया से अपनी अजमतें मनवानी है, तो प्यारे सिर्फ एक ही रास्ता है, इल्म को हासिल करो। अपने मंजिल मकसूद का पता जानने के लिए, अपनी मंजिल को जानने के लिए इल्म दीन हासिल करो, और इस्लाम के जाहरी शान शौकत को दुनिया में फैलाने के लिए दुनिया का इल्म हासिल करो, ताकि तुम हर मैदान में पहुंचो दुनियावी हासिल इल्म हासिल करके, और इस्लाम के बेहतरीन मुबल्लिग बनकर वहां इस्लाम की सही तबलीग कर सको। प्यारे, ये इल्म बहुत जरूरी है। बनाने वालों ने तो इमारत बना दी आपके लिए, जो काम आप ना कर सकते थे वो लोगों के ताउन से हो गया। अल्लाह पाक उन्हें अजर अजीम अता फरमाए, जिनकी सवाबों के लिए ये इमारतें बनाई गई हैं। मौला करीम उनकी खिदमात को, जज्बात को, नियतों को कबूल फरमाए, और उन्हें सुबह कयामत तक इसका सवाब पहुंचता रहे। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब इस इतराफ व अकनाफ के हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारियां हैं, नौजवानों की जिम्मेदारियां हैं, हर बाप की जिम्मेदारियां हैं, हर भाई की जिम्मेदारी है कि स्कूल और कॉलेज में अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजे, अपने माशरे में इल्म के हुसूल का एक ज़ौक पैदा करें। इंशाअल्लाह मौला ताला जिस दिन ये रुझान हमारी कौम में 100% पैदा हो गया, फिर इस कौम को कोई छूने वाली कौम पैदा नहीं हो सकती। इसलिए कि सारी दुनिया के पास एक ही इल्म की ताकत है, वो है दुनियावी इल्म, और दुनियावी इल्म का ताल्लुक इंसानी दिमाग से है। तो जितना इंसानी दिमाग मजबूत है और उससे जो इल्म निकला, वही ताकत सिर्फ दुनिया के पास है। लेकिन ऐ कौम मुस्लिम, तुम्हारे पास तो वो ताकत है, वो दीनी इल्म की ताकत, वो कुरान की ताकत, जो किसी इंसानी दिमाग से नहीं निकला है, बल्कि वो तो रब का कलाम है। उसकी ताकत का क्या अंदाजा है? जब तुम ये दो ताकतें निकल लेकर माशरे में निकलोगे, तो खुदा की कसम सारी ताकतें तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएंगी। इसलिए दीन भी हासिल करो, दुनिया भी हासिल करो। तुम्हारे साथ ईमान की ताकत है, कुरान की हक्कानियत की ताकत है, हिदायत की ताकत है। और अगर दुनिया भी हासिल कर लो प्यारे, एक मुबल्लिग बनकर दुनिया के हर शोबे जिंदगी में पहुंच जाओ, तो इंकलाब बरपा हो जाएगा। इसलिए मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ सुन्नी है आप, सुनिए मत। यही आज बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे सुन्नी भाइयों ने सुन्नी की जो परिभाषा बनाई है कि भाई सुन्नी वो है जो सिर्फ सुनता है। अब बदल डालो क्या, इस अंदाज को बदलो, अब अमली तौर पर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है, तुम उसके फॉलोअर्स हो, तुम उसके बिलीवर्स हो, तुम भी प्रैक्टिकल हो जाओ। इसीलिए मैंने कहा था, या अय्युहल लज़ीना आमनू आमिन, ऐ ईमान वालों, ईमान वाले हो जाओ। ईमान वालों से अल्लाह ने कहा ईमान वाले हो जाओ। आप तसव्वुर कीजिए, मुसलमान हो जाना और है,
मुसलमान बनना और है। बाप अब्दुल कलाम, बेटा अब्दुल सलाम, यही है इस्लाम। आप एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए, हो तो गए मुसलमान, क्या बने भी मुसलमान? क्या बने मुसलमान? मुसलमान होने के लिए तुम किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गए इसलिए मुसलमान हो गए, लेकिन यही काफी नहीं। मुसलमान हो गए ये रब का फजला है कि तुम्हें एक मुसलमान की गोद मिली, तुम मुसलमान हो गए। प्यारे रब के फजल से तुम मुसलमान तो हो गए, अब मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान बनने के लिए हर वो चीज अपना लो जिसकी इस्लाम तुम्हें दावत देता है, हुक्म देता है। क्या यही मुसलमान बनने का मतलब है कि फराइज से गाफिल हो जाओ? मुसलमान बनना यही है? वाजिबात से दूर हो जाओ? क्या मुसलमान बनना यही है? नबी की दावतों से तुम्हारी जिंदगी दूर हो जाए? क्या मुसलमान बनना यही है? एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफरतों का तूफान हो, क्या यही मुसलमान बनना है? क्या एक मुसलमान पड़ोसी दूसरे मुसलमान पड़ोसी का ख्याल ना रखे, क्या यही मुसलमान बनना है? इल्म की फजीलत पर नबी ने इतने बैयन अहकाम जारी फरमाए, इतना रोशन पैगाम अता फरमाया, उस पैगाम से हमारी जिंदगियां दूर रहे, क्या यही मुसलमान बनना है? प्यारे नहीं, मुसलमान बनना ये है कि जो जो इस्लाम ने कहा उसको अपनी अमली जिंदगी में अपना लो। एक पड़ोसी के दिल में पड़ोसी के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए अपने दिलों में मोहब्बत महसूस कर लगे। जिस बात के लिए नबी ने हमें पैगाम दिया है उस पैगाम पर अपनी अमली जिंदगी हम शुरू कर दें, ये मुसलमान बनना है प्यारे। और जिस दिन वाकई तुम मुसलमान बन गए तो ये जितने बने हुए हैं ना सब बनते रह जाएंगे। तुम बनोगे तो इतना आगे बन जाओगे कि तुम्हारे कदमों की बरकत से न जाने क्या क्या बन जाएगा। इसलिए प्यारे जरूरत है, इस्लाम एक प्रैक्टिकल मजहब है, तुम भी अब प्रैक्टिकल हो जाओ। बहुत दिन गुजर गए, जमाना बीत गया, ख्वाबे गफलत की चादर ओढ़ कर हम सोते रहे। प्यारे अब वक्त आ गया है जागने का, उठो ख्वाबे गफलत की नींद से उठो और उठकर अपनी जिंदगी में अमली दौर शुरू कर दो, अमली दौर शुरू कर दो। मुसलमान सिर्फ अब नाम से नहीं बल्कि प्यारे ऐसे मुसलमान बन जाओ कि नाम बताने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे चलने को देखकर देखने वाला बोल उठे कि ऐसे चलने का अंदाज किसी और कौम के पास नहीं, ये तो सिर्फ नबी के गुलामों के पास है। तुम बात करो इस अंदाज पर बात करो कि तुम्हारे तकल्लुम के अंदाज को देखकर, तुम्हारी जबान की मिठास को देखकर, तुम्हारे अखलाक को देखकर, तुम्हारे किरदार को देखकर, तुम्हारे अमल को देखकर, तुम्हारी इंसानियत को देखकर, तुम्हारे जज्बे कुव्वत को देखकर, तुम्हारे मान मर्यादा को देखकर, तुम्हारी पेशानियों के सुकून को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर, तुम्हारे कदमों की इस्तकामत को देखकर, तुम्हारे हौसलों को देखकर, तुम्हारे आंखों के नूर को देखकर दुनिया ये बोल उठे, अरे ये कोई और कौम का खासा नहीं, ये कोई और कौम नहीं, ये चलने वाला तो बस वही है जो गुलामे मुस्तफा है, नबी का शहदाई है, अजमत मुस्तफा पर जा देने वाला है, नबी की मोहब्बतों में गुम रहने वाला है। प्यारे ऐसा किरदार बनाओ, और जिस दिन प्यारे तुमने ऐसा किरदार बना लिया सारी अजमतें तुम्हारे कदमों में होंगी। मैं आपको इसीलिए कहते हुए रुखसत होता हूँ कि जिन लोगों ने इमारतें बनाई हैं, इमारतें तो बना दी उन्होंने ही साले सवाब के लिए, बेशक उन्हें सवाब मिलता रहेगा। हमारे दादा बापू को अल्लाह पाक उनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुबह गुजरात में जो उन्होंने इल्मी शमा रोशन की है, जो हर तरफ हर गांव में हर इलाकों में इल्मी मराकिज मदारिस की शक्ल में, स्कूल की शक्ल में कायम कर रहे हैं, इबादत के लिए मसाजिद का क्याम अमल में ला रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को कबूल फरमाए, उनके उम्र को दराज फरमाए, उनके साए करम को हमारे सरों पर रखे। और इनके साथ जो एक टीम लगी हुई है,
उनके लिए भी आप लोग दुआ करें। माशाल्लाह बड़े खुलूस के साथ वो सब दादा बापू की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में ये स्कूल की शक्ल में, कॉलेज की शक्ल में जो इमारतें नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ शहरों में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो कहना आपसे ये है कि इन्होंने तो अपनी करनी कर दी और इन्हें तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। अब आपकी जिम्मेदारी है, इसके अतराफ व अकनाफ में रहने वाले मुसलमानों की जिम्मेदारी है, हर हर फर्द की जिम्मेदारी है कि जो इल्म का मरकज बनाया गया है इसमें अपने बच्चों को भेजें और आपके बच्चे इल्म हासिल करें ताकि वो भी दुनिया के इस मैदान में आगे बढ़ सकें। एक मुसलमान आगे बढ़ेगा तो गोया इस्लाम आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरत है कि आप इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने घर में तबलीग करें, अपने बच्चों में रुझान पैदा करें और हर हर फर्द अगर अपनी तबलीग का दायरा अपने घर से 10 फीट दाएं, 10 फीट बाएं और 10 फीट आगे और 10 फीट पीछे, एक मुसलमान खाली इतना सोच ले कि मेरे घर से 10 फीट जिसका घर है वहां तक मैं सब में तालीम रुझान पैदा करूंगा, 10 फीट बाएं वालों को भी करूंगा, 10 फीट आगे वाले को भी करूंगा, 10 फीट पीछे वाले को भी करूंगा। अगर हर हर मुसलमान अपनी तबलीग का दायरा सिर्फ इतना ही बना ले यार इंकलाब पैदा हो जाएगा, इंकलाब पैदा हो जाएगा। ये इंकलाब सिर्फ स्टेज से नहीं आने वाला है, इंकलाब तो जब आएगा कि जब आप में इंकलाब आएगा और आप वो इंकलाब लेके गली गली पहुंचोगे, घर घर पहुंचोगे तो समाज का रुझान बदलेगा, लोगों का रुझान बदलेगा, सोच का अंदाज बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मौला ताला आप लोग इस तरफ पूरी तवज्जो से ध्यान देंगे। मैं बड़ा थका हुआ हूँ, बस भागता चला रहा हूँ, पूरी शब्बेदारी मैंने और फ्लाइट भी छूट गई, उसकी वजह से आप लोगों को जहमत उठानी पड़ी, फिर हम लोग भावनगर आकर यहाँ पहुंचे हैं। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि इतना ही काफी है। अब जरूरत है मेरे भाई अमली जिंदगी शुरू करने की, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है। अपनी कौम को आगे बढ़ाओ, इल्म हासिल करो, इल्म दीन का हो, इल्म दुनिया का हो, इल्म हासिल करो, इंशाअल्लाह मौला ताला फलाह सलाह की राहें खुलेंगी, हमारी कौम भी तरक्की करेगी, हमारा इस्लाम भी तरक्की करेगा। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।